Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time to begin the show. और आज शाम में आपका दोस्त आपका होस्ट है, एक ऐसा शख्स who has recently won two awards, Middle East Most Favorite Show and UAE's Funniest RJ. Alright, so ladies and gentlemen, this is B-Wheel and the show is called Nothing Official on 105.4, it is Spice, full to twist. आदाब, सबको बहुत बहुत आदाब है. वेद के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm pleasantly surprised because बहुत इंटरव्यूज दिए हैं रेडियो स्टेशन पे, आरजे को मिले हैं, बट ही इज नॉट जस्ट एन आरजे, ही इज लाइक टोटल बंडल ऑफ टैलेंट यू आर. जब आपकी बीवी, उसे भी पता होता है कि ये बड़ी अच्छी आवाज निकाल रहा है. अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक्चुअली रियल इंसिडेंट. मेरी बीवी ऐसे बैठी हुई थी और बोलती है, मेरी यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ. तो मैंने कहा, मैं क्या करूँ, एक काम करो, आप गुत्थी बन जाओ. ले लो गुत्थी. नो सीरियसली, बीवी मुझसे बोले गुत्थी बन जाओ. अब बीवी की खुशी के लिए तो पति को कुछ करना पड़ता नहीं, शादी आप फॉर्म का हो गया हूँ. आर यू रेडी नीवा धनो वेद 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 की वाई वाई बुद्धि बुद्धि कबली कबली ओम ओम आप कर दूंगी ओम राम. आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में, फूल खिले हैं, गोलशान गोलशान फूल खिले हैं, गोलशान गोलशान बुद्धि बन गया है. फिर ऐसी बोलते ही थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ. अरे वाह बीबी, लिसन टू मी ओके. अरे बहुत मजा आया. सीरियस, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. अब तुम्हें समोसा खाना है तो मैं तुम्हें पानी पूरी थोड़ी खिलाऊंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक काम करो, बोलो वाव और खा लो बड़ा पाव. फिर ऐसे कारवा चलता रहता है. अचानक से जब रात होती है तो बोलती है, वेद. मैंने कहा, आप क्या है, पूरा दिन तो निकाल दिया. बोलती वेद, अब इमरान हाशमी बन जाओ. अमिताभ बच्चन जी एक बार पब्लिक टॉयलेट में गए और जब बाहर निकले तो एकदम गीले होके निकले, नहा धो के निकले, तो जय जी ने पूछा, हाय बिग बी, आप तो करने के लिए गए थे टॉयलेट, नहा के क्यों आ गए? तो बिग बी बोलते हैं, अरे जय जी देखिए, मैं क्या बताऊँ, मैं जैसे ही अंदर गया तो एक बंदे ने मुझे देख के बोला बिग बी, और सारे के सारे मेरी तरफ पलट गए, तो पीला हो गए. देखो कैसा है, आज की जनरेशन बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अलग होगी. बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि पूछो मत, कुछ सवाल आप कुछ पूछते जवाब उल्टा देते हैं. मैंने एक बच्चे से पूछा, भाई रामनवमी क्यों मनाई जाती है? तो बच्चा बोलता है, जब राम आठवीं पास करके नौवीं में गया था इसलिए रामनवमी मनाई जाती है. चलो फिर मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे ये शिवाजी पार्क का नाम शिवाजी पार्क क्यों है? तो बोलता है, शिवाजी अपना घोड़ा यहाँ पार्क करते थे. मित्रों, भाइयों बहनों, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा. बट मोदी जी इतनी विदेश यात्राएं करते हैं कि ये बिकेम अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर इंडिया. सीरियसली, विजिटिंग फैकल्टी. इनफैक्ट जब वो इंडिया आते हैं तो केजरीवाल जैसे जो पॉलिटिशियन है वो बोलते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे. इनफैक्ट मोदी जी इतनी यात्राएं करते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, इतनी यात्राएं करते हैं कि आप अपना मोबाइल उठाएं, ऊपर रखें और बोले मोदी मोदी, तो मोबाइल फ्लाइट मोड में चल जाता है. Actually, Ved, I want to wish him all the best. I think one of the most talented people. बहुत मुश्किल होता है कि आप एक शो को होस्ट करें, अपनी आवाज से पूरी दुनिया बनाते हो. Ved, actually, Ved के बारे में क्या कहूँ? Spontaneous, nice. RJ Ved was a great guy. बहुत मजा आया. Ved का प्रोग्राम में जो मजा आया, outstanding. God bless you. Ladies and gentlemen, presenting your host for tonight, RJ Ved. Ved. Ved.